कोई साधारण कन्या नहीं है जनक। इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, टॉलीवुड सुपरस्टार प्रभास और कीर्ति सैनन ने स्टारर डायरेक्टर ओम राउत की फिल्म आदिपुरुष का टीजर अभी हाल ही में रिलीज हुआ था। कह सकते हैं कुछ दिन पहले रिलीज हुआ था। रिलीज होते ही ये टीजर दर्शकों के निशाने पर आ गया था। फिल्म में दिखाए गए रावण के रोल में सैफ अली खान के लुक और हनुमान के लुक पर लोगों की नाराजगी सामने आई थी। लोगों ने इस फिल्म में रामायण के इस्लामीकरण करने का आरोप मेकर्स पर लगाते हुए खूब खरी खोटी सुनाई। इसके बाद मेकर्स बैकफुट पर आ गए और फिल्म के टीजर की रिलीज के बाद इसकी रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया। अब इस बीच सुनने में आया कि मेकर्स दोबारा से फिल्म की कमियों पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका बजट काफी बढ़ गया है। मिली जानकारी के मुताबिक मेकर्स ने फिल्म की कमियों को VFX के जरिए ठीक करने की कोशिश शुरू कर दी है, जिसके लिए मेकर्स ने कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए और बजट बढ़ा दिए। ये 100 करोड़ रुपए वहां यूज होगा ताकि कमियों को ठीक किया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आदि पुरुष में बड़ी दाढ़ी में दिखाए गए सैफ अली खान के रावण लुक को अब VFX के जरिए साफ किया जाएगा। पता चला है कि मेकर्स सैफ अली खान के रावण के किरदार को बिना दाढ़ी के ही रखेंगे, जबकि इसके साथ ही VFX के लेवल को और भी सुधारने की प्लानिंग की जाएगी। वेल, देखा जाए दोस्तों तो ठीक है, रावण की यहाँ पर VFX से दाढ़ी हटा दिया जाएगा तो एक कमी ठीक हो जाएगी, लेकिन एक और चीज जो थी वो है हनुमान का लुक। लेदर यूज किया गया वो तो है ही, लेकिन साथ ही कुछ लोगों का ये भी कहना था कि दाढ़ी दाढ़ी है हनुमान जी की, मूछ नहीं है, मूछ गायब कर दी है और इसकी वजह से वो मुस्लिम लग रहे हैं। ठीक है, लोगों का जो भी, उन्होंने एक अपना अलग रूप बनाया, वो हनुमान जी का या रामायण में देखा है B.R. चोपड़ा की, सबका अपना अपना अलग अलग परसेप्शन है। वेल, अगर हम सिर्फ मूछ को लेकर उस कैरेक्टर को हनुमान जी को टारगेट कर रहे हैं तो देखने वाली बात यह कि Disney+ Hotstar पर एक वेब सीरीज आई है जिसका नाम है The Legend Hanuman। उसमें भी हनुमान जी को ठीक ऐसा ही दिखाया गया है, मतलब कि एक दो हैं जिनकी मूछें दिखाई गई और बाकी के लोगों को, मतलब जितने भी बंदर प्रजाति के हैं या हनुमान जी के प्रजाति के हैं, उन सभी को सिर्फ और सिर्फ दाढ़ी में दिखाया गया पूरी वेब सीरीज में। द लेजेंड ऑफ हनुमान के अभी तक 2 सीरीज आ चुके हैं और ये बात किसी ने नोटिस नहीं की या इन सीरीज के बारे में किसी को पता नहीं है, क्योंकि अगर आदि पुरुष का टीजर देखकर लोगों में सिर्फ इतना गुस्सा है तो उस वेब सीरीज पर लोगों ने अपना गुस्सा क्यों नहीं जाहिर किया। अब यही मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल घूम रहा है, क्या लोगों ने सीरीज देखी नहीं या इग्नोर किया। व्हाटएवर, जो भी हो ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हनुमान जी के कैरेक्टर को लेकर, उनके हुलिया को लेकर, उनके रूप को लेकर अगर आप सीरियस हैं तो वो कहीं भी कुछ भी दिखाया जाए आप उसके खिलाफ खड़े होइए और बोलिए जैसे कि आपने आदि पुरुष में बोला है। वेल, मेरा तो यही मानना है, बाकी आप देखिए आपको क्या कहना है और अपनी राय जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में हमें शेयर करें कि क्या आपने फिल्म द लेजेंड ऑफ हनुमान देखी या नहीं। थैंक यू सो मच, देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।